हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा सीएच 201 सब्जेक्ट का यूनिट 6 का टॉपिक फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं हमारे, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो कोई भी जो सी प्रोग्राम होता है, अगर हम उसको एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं या सब प्रोग्राम्स में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है, वो सब प्रोग्राम वो एक कहलाता है एक फंक्शन। किसी भी सी प्रोग्राम में मिनिमम एक फंक्शन होता है जिसे हम जो होता है हमारा मेन फंक्शन। तो हमारे जो फंक्शंस हैं इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो भागों में वर्गीकृत किया है। पहला है लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि हमारे होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस, जैसे एग्जांपल है प्रिंट एफ, स्कैन एफ, गेट सी एच एट्सेट्रा। दूसरे जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये होते हैं हमारे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, जो कि हमारे द्वारा बनाए जाते हैं या यूज़र द्वारा बनाए जाते हैं। एग्जांपल मेन, और भी जो फंक्शंस हैं जो यूज़र बनाते हैं वो सारे आएंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस में। तो दो भागों में हमने वर्गीकृत किया है, पहला है लाइब्रेरी फंक्शंस, दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। उसके बाद एडवांटेजेस क्या हैं फंक्शंस को यूज़ करने के। तो जो फंक्शंस यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं वो एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम बन जाता है, हमें इजी होता है कि मतलब उसके अंदर हम कैसे एरर फाइंड कर सकते हैं, जल्दी से हम एरर फाइंड कर सकते हैं उसके अंदर, उसको डीबग करना आसान हो जाता है। और हम किसी भी फंक्शन को कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स कॉल कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस फंक्शन को कितनी बार यूज़ किया जाएगा, आप कितनी भी बार उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट अबाउट फंक्शंस, तो तीन चीज़ें हैं जो कि हमें हर फंक्शन के लिए ध्यान रखना है। पहला है फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, दूसरा है फंक्शन कॉलिंग, तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। तो फंक्शन प्रोटोटाइप की बात करें हम फंक्शन डिक्लेरेशन, तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंटेक्स में रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम ब्रैकेट्स के अंदर पैरामीटर लिस्ट की हमें कितने पैरामीटर्स इसके अंदर पास करने हैं, और लास्ट में है सेमी कोलन जो कि होता है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब अगर एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पर रिटर्न टाइप वॉइड है, वॉइड का मतलब ये कुछ ये जो हमारा फंक्शन है ये कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। दूसरा जो हमारा ये है एडिशन, ये है फंक्शन नेम इंट ए कोमा इंट बी, तो ये ब्रैकेट्स के अंदर जो है ये हमारे पैरामीटर्स। तो हमने यहाँ पर दो पैरामीटर्स पास किए हैं। उसके बाद जो ये सेमी कोलन है ये होता है हमारा स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ये स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है। अब फंक्शन कैसे बनाया जाता है, और ये तीन चीज़ें फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है ये हम देखेंगे इस प्रोग्राम में। तो जो ये सेकेंड लाइन लिखी हुई है void addition int a comma int b, ये है हमारा फंक्शन प्रोटोटाइप जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में देखा अभी। इसके बाद जो ये लाइन लिखी हुई है एडिशन मेन फंक्शन के अंदर एडिशन c comma d, तो ये होता है हमारा फंक्शन कॉलिंग, यहाँ पर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम इस फंक्शन को बुला रहे हैं। तीसरा है फंक्शन डेफिनेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन होता है कि आपका फंक्शन क्या टास्क परफॉर्म करने वाला है, या मतलब उस फंक्शन में जब कॉल होगा तो ये क्या आउटपुट देगा, वो होता है हमारा फंक्शन डेफिनेशन। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं जो ब्लॉक के अंदर आपको दिख रहे हैं ये है हमारे फंक्शन डेफिनेशन। अब ये है आउटपुट इस प्रोग्राम का। अब ये कैसे आया, इसकी वर्किंग क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है, एग्जीक्यूशन हमारा जो स्टार्ट होता है वो होता है मेन फंक्शन से। मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, ये कंट्रोल है जो राइट साइड लेफ्ट साइड में एरो दिख रहा है, ये कंट्रोल है कि कंट्रोल कहाँ कहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो ये int c इक्वल टू 9, d इक्वल टू 10, ये हमारे दो वेरिएबल्स बने। इसके बाद जब ये एडिशन c कोमा d, ये है हमारा फंक्शन कॉलिंग। तो जब यहाँ पर कंट्रोल होगा तो अभी मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन चल रहा है, अब मेन फंक्शन ने कॉल किया एडिशन फंक्शन को, तो अब मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा और एडिशन फंक्शन का कॉल एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा।
ये यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग हुई, कंट्रोल शिफ्ट हो गया एडिशन फंक्शन वाली लाइन से एडिशन की डेफिनेशन पर, यहाँ से एग्जीक्यूशन चालू होगा। इसमें है इंट ए कोमा इंट बी, तो यहाँ पर हम जो दो पैरामीटर पास कर रहे हैं सी कोमा डी, एडिशन सी कोमा डी, ये वैल्यूज रिसीव होगी एडिशन की डेफिनेशन में, जो ए कोमा बी है इनमें सी की वैल्यू जाएगी ए में और डी की वैल्यू जाएगी बी में। उसके बाद हमारा एक और वेरिएबल बना ई, ई में ए और बी का दोनों का एडिशन हमारा स्टोर हो जाएगा ई में, तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो है वो आ गया अब ई में। उसके बाद जब ये प्रिंटफ फंक्शन होता है, आउटपुट फंक्शन जो कि हमें रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए या कुछ भी मैसेज डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हम मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं सम इक्वल टू और ई की वैल्यू, तो इस तरह का आउटपुट देगा ये सम इक्वल टू 19। ये इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद इस तरह का आउटपुट आएगा। उसके बाद ये डेफिनेशन ख़त्म हो गई फंक्शन की एडिशन वाले की। अब जब ये ख़त्म हो गया तो ये वापस जाएगा मेन फंक्शन के पास, अब ये गया प्रिंटएफ वाली लाइन पर। प्रिंटएफ वाली लाइन पर जाने के बाद इसने मैसेज लिखा हुआ है एक बैक टू मैन, तो ये मैसेज प्रिंट करेगा बैक टू मैन, और उसके बाद ये फंक्शन मेन फंक्शन भी ख़त्म हो जाएगा और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। अब इसके बैकग्राउंड में क्या प्रोसेस चलता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और एक बात जो यहाँ पर जैसे ये एड सॉरी यहाँ पर ये एडिशन आएगा एडिशन सी कोमा डी, तो जो ये एक्चुअल पैरामीटर्स हैं मतलब जो हमारे कॉलिंग में यूज़ हो रहे पैरामीटर्स सी और डी, ये हमारे कहलाते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स, और इनकी वैल्यू जिसमें रिसीव होती है या इनकी वैल्यू जिसमें जाती है वो हमारे होते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। तो यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर्स हैं ए कोमा बी, तो ये हमारे हैं फॉर्मल पैरामीटर्स। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखें फंक्शन कॉलिंग मेथड्स, तो यहाँ पर दो फंक्शन कॉलिंग के मेथड होते हैं कॉल बाय वैल्यू और दूसरा कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय वैल्यू में हम सीधा वेरिएबल फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में पास करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में हम फंक्शन कॉलिंग में वेरिएबल का एड्रेस पास करते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले कॉल बाय वैल्यू मेथड, तो वही प्रोग्राम जो हमने अभी देखा वही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। वापस एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट हुआ, इंटीजर c इक्वल टू 9 कोमा d इक्वल टू 10, तो ये बैकग्राउंड में जो प्रोसेस चलता है वो ये है, c एक वेरिएबल बन गया जिसकी वैल्यू है 9 और इसका कुछ एड्रेस है 5400। ऐसे ही d एक वेरिएबल बन गया, इसका एड्रेस है 5408 और ये d वेरिएबल बन गया। इसके बाद जब एडिशन c कोमा d, तो ये जो c और d है ये है हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पर हुई है फंक्शन कॉलिंग, तो ये मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन अभी रुक जाएगा और एडिशन फंक्शन का एग्जीक्यूशन चालू हो जाएगा। अब एडिशन फंक्शन के अंदर ए कोमा बी ये दो वेरिएबल्स बने हुए हैं, तो यहाँ पर ये वापस ए और बी वेरिएबल्स बन गए, इनका एड्रेस है ए का एड्रेस है 6200 और वैल्यू है इसके अंदर 9 जो कि कहाँ से आई है सी से। ऐसे ही हमारा वेरिएबल बन गया बी, इसमें वैल्यू आई है डी से और इसका एड्रेस है 6420। ये है हमारे फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो कि होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की ही कॉपी होते हैं। अब इंट ई, तो ये क्या होगा, एक हमारा वेरिएबल बन गया ई से, ई नाम से इसका एड्रेस है कुछ, अभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। जब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा ये ई इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए और बी की वैल्यू ऐड होके जो वैल्यू आएगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी यानी 19। अब हमारा जो रिजल्ट है वो ई में स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पर प्रिंटएफ फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये आउटपुट डिस्प्ले करेगा सम इक्वल टू 19। इसके बाद जब ये डेफिनेशन ख़त्म हो गई एडिशन फंक्शन की, तो इसकी डेफिनेशन ख़त्म होने के साथ ही ये वेरिएबल्स जो इसमें बने हुए हैं ए बी और ई, ये लोकल वेरिएबल्स हैं और ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो अब हमारे पास केवल दो ही वेरिएबल बचे सी और डी,
और ये फंक्शन ख़त्म होने के बाद वापस कंट्रोल जाएगा मेन फंक्शन के पास। यहाँ पर ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इसके अंदर एक मैसेज लिखा हुआ है बैक टू मेन, तो बैक टू मेन मैसेज आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा आउटपुट में। उसके बाद जब ये लास्ट लाइन पर आएगा, अब मेन फंक्शन भी ख़त्म हो चुका है, तो आपके सी और डी वेरिएबल्स जो कि लोकल थे मेन फंक्शन के, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये था मतलब कॉल बाय वैल्यू मेथड। इसमें आपने देखा कि मतलब एक फंक्शन में कैसे कॉल बाय वैल्यू मेथड हम यूज़ करके वैल्यूज पास कर रहे हैं फंक्शंस की। अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉर्मल पैरामीटर्स और एक्चुअल पैरामीटर्स का कोई कंसेप्ट है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय वैल्यू मेथड में। तो यहाँ से मेन फंक्शन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पर वापस वही दो वेरिएबल बने सी और डी। इसके बाद जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये वापस डेफिनेशन पे जाएगा। ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं सी और डी जो कॉलिंग में आपके यूज़ हो रहे होते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद ये जाएगा एडिशन की डेफिनेशन पर। एडिशन की डेफिनेशन पर जाने के बाद आपके दो वेरिएबल्स और बनेंगे ए और बी। ये हैं आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स जो कि जिनमें वैल्यूज रिसीव होती है एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स से। उसके बाद ई एक वेरिएबल बना, इसमें कोई वैल्यू नहीं है अभी। इसके बाद ए इक्वल टू ए प्लस 10 किया हमने, तो ए है एक फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, तो अभी इसमें वैल्यू है 9। अब जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इसमें वैल्यूज आ जाएगी 19। तो जो हमारी एक्चुअल वैल्यू थी 9 वो अब मॉडिफाई हो गई। तो हमने जब फॉर्मल पैरामीटर में चेंज किया तो आपने देखा कि मतलब ए केवल ए में चेंज किया था, हमने ए में ही चेंज हुआ, सी में चेंज नहीं रिफ्लेक्ट हुआ इसका। तो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट में चेंज करने पर एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में चेंज नहीं होता है कॉल बाय वैल्यू मेथड में। यही इस प्रोग्राम में दिखाया है कि मतलब आप फॉर्मल पैरामीटर में अगर चेंज करते हैं तो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट पर इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसके बाद जब आप ई इक्वल टू ए प्लस बी करेंगे तो यहाँ पर आपको रिजल्ट अब मिलेगा 29। उसके बाद प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो ये रिजल्ट आपको प्रिंट करेगा सम इक्वल टू 29, जबकि आपका रिजल्ट आना चाहिए था 19। अब जब ये डेफिनेशन ख़त्म हो गई है एडिशन फंक्शन की तो इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल्स बने हुए हैं ए बी और ई, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद ये वापस जाएगा मेन फंक्शन के पास। मेन फंक्शन के पास जाने के बाद ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा बैक टू मेन। उसके बाद मेन फंक्शन की डेफिनेशन भी ख़त्म हो गई तो आपके जो सी और डी जो लोकल वेरिएबल बने हुए हैं इसमें, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्कोप रूल वेरिएबल्स का क्या होता है कि इनका लाइफ टाइम कब तक होता है जो आपके वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स बने हुए हैं सी और डी, तो इनको आप मेन फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं, इनको मेन फंक्शन के बाहर आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इनका जो ये स्कोप है वो है मेन फंक्शन, क्योंकि ये डिक्लेयर है मेन फंक्शन के अंदर तो इनका स्कोप भी है मेन फंक्शन, इसके बाहर आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। ऐसे ही एडिशन है, एडिशन के अंदर तीन वेरिएबल हैं ए बी और ई, तो ए बी और ई को हम केवल एडिशन फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये लोकल है एडिशन फंक्शन में जो वेरिएबल है ए बी और ई, ये इस ब्लॉक में लोकल वेरिएबल्स हैं। जैसे ही एडिशन फंक्शन ख़त्म होगा वैसे ये वेरिएबल भी ख़त्म हो जाएंगे, जैसे ही हमारा मेन फंक्शन ख़त्म होगा वैसे ही सी ओ डी भी ख़त्म हो जाएंगे। एग्जीक्यूशन हमारा स्टार्ट होगा मेन फंक्शन से, उसके बाद हमारा ये सी इक्वल टू 9, ये हमने देखा कि दो वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, फिर ये एडिशन यहाँ पर एडिशन आएगा,
ये हमारे दो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हैं सी और डी। उसके बाद ये फंक्शन कॉलिंग हुई तो हमारा जो कंट्रोल है वो शिफ्ट हो गया कहाँ, एडिशन फंक्शन पे, और हमारा जो मेन फंक्शन था उसका एग्जीक्यूशन अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो अब एडिशन का एग्जीक्यूशन चालू होगा, इसमें वापस आपके ए और बी दो आर्ग्यूमेंट बनेंगे। ये हैं आपके फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। उसके बाद ये ई एक वेरिएबल बना और ई के अंदर वैल्यू आ गई 19, जो कि ए और बी का एडिशन है। अब यहाँ पर हमने ये रिजल्ट प्रिंट करवाया प्रिंट एफ फंक्शन के थ्रू, सम इक्वल टू 19, यहाँ पर ये प्रिंट हुआ होना चाहिए। फिर इसके बाद ये फंक्शन डेफिनेशन ख़त्म हुई एडिशन की, तो ये ख़त्म होते ही ए बी और ई तीनों डिलीट हो गए। अब जब ये कंट्रोल शिफ्ट होगा मेन फंक्शन पर, यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं ई की वैल्यू। अब जब ई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, हम ई एग्जिस्ट है ही नहीं, मतलब इस लाइफ ख़त्म हो चुकी है ई की, तो यहाँ पर ये आपको शो करेगा एरर, एरर ई इज़ नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप, क्योंकि ई जो हमारा था वो किस में डिक्लेयर था, एडिशन फंक्शन में। तो हम एडिशन फंक्शन के बाहर उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। बस यही उद्देश्य था इस प्रोग्राम को दिखाने का कि स्कोप क्या होता है किसी भी वेरिएबल्स का। तो जैसे ये लास्ट लाइन पे आएगा, इसके अंदर जो लोकल वेरिएबल्स बने हुए हैं सी और डी, ये भी ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही मेन फंक्शन की डेफिनेशन ख़त्म होगी। इसके बाद जो हमारा दूसरा मेथड है वो है कॉल बाय रेफरेंस मेथड। तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड को समझने से पहले हमें एक और कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, जो कि है पॉइंटर्स। तो पॉइंटर्स को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।